मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस पंक्ति को आपने कई बार सुना होगा, आज हम इसी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक हिरण जिसके दौड़ने की क्षमता करीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी बाघ की रफ्तार हिरण की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हो क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक कर पीछे मुड़ कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहता है। आप चाहें किसी भी फील्ड में हो और आप चाहें कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन से जीतना सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, वो अपार क्षमताओं होने के बावजूद भी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ कुछ चंद दिनों के भीतर ही पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद ही कठिन होगा। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना तय है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा करे और हमारी सहायता करे। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसा कर पाएंगे? मंत्री बोले, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, अभी उन पर हमला कर दिया जाए तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ उम्मीदें बढ़ जाएगी। ऐसी भी अगर हमें हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कुछ करने वाला ही है। राजा को बात झंस गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राजा के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता, हर्षोल्लास, जोश के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपने जीवन की सभी असफलताओं के सभी रास्ते बंद करने होंगे। अपने स्वयं को महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करने में सक्षम हो पाता है और सफलता हासिल करता है।
अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी सफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं होती है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।